कर ले आना, ठीक है? माँ, माँ, वो अपना नया घर तैयार हो गया, हम वहाँ कब चल रहे हैं? इस घर में तेरे पिताजी की यादें जुड़ी हुई हैं, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम जानते हो तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है, इसने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या बोल रहा है? इससे क्या पूछोगे? क्या पूछोगे इससे? तुम पूछना है तो मेरी बेटी से पूछो, इसकी जिंदगी इसने बर्बाद कर दी है। याद उठा रहे हो? तुम कौन हो पूछने वाले? इसका मामा हूँ मैं, पूछूंगा किसे ही? पूछ लो। देखे तुम्हारे जैसे चलना बेटी, पता क्या क्या इसने तेरे साथ? बताना बताओ क्या तेरे साथ? कोई भी लड़की इतना बड़ा इल्जाम ऐसे ही किसी पे नहीं लगा सकती है। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर हमारी शादी हुई ना तो मैं खुश रह पाऊंगा और ना ही तुम रह पाओगी, लेकिन फिर भी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। एक मिनट रुको। बेटा मेरी बात तो सुन। हटो माँ, जरा एक मिनट सुनना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फालतू में एक बेचारी लड़की की जिंदगी खराब कर दी तुमने। सुनो, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, तुमने कोई गलती नहीं की? तो वो लड़की जो कह रही थी कि उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है, वो क्या है? तुमने देखा ना, उस लड़की ने जो भी कुछ कहा वो सब झूठ था। आप जिसे पसंद करते हैं और कोई आपसे प्यार करता है, अगर शादी उसी से करेंगे जिंदगी ज्यादा खुशहाल रहेगी, ऐसा हमारे एक सुपरस्टार ने कहा था। ऐसी बात नहीं है, शादी करने के लिए अगर एक तैयार हो तो जिंदगी सुख से नहीं कटती, अगर दोनों शादी करने के लिए तैयार हो तो जिंदगी सुख से गुजरेगी, और ये किसी और ने नहीं, मैंने कहा है। तुम तो बातें बड़ी अच्छी करते हो, इसी तरह बातें करके उस लड़की को फंसाया था ना? कितनी भी अच्छी बातें कर लो, ये घुमा फिरा के उठी ना जाती है। ठीक है, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। सुनो एक मिनट, तुमसे क्या है? अपने बारे में बात करनी है। तुम्हारे बारे में? कल हम कहीं पे मिल सकते हैं क्या? कहाँ मिलना है? जहाँ तुम कहो वहाँ पे। ठीक है, बताती हूँ। सॉरी, आ गए? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं तो बहुत पहले ही आ गई थी। वैसे हमारा गांव बहुत सुंदर है ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। तुम 2-3 बार मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे पर बिना कहे ही चले गए, क्या बात है बोलो ना। मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैंने कुछ कहा तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ? अच्छा, मैं बुरा मान जाऊँ ऐसा तो कुछ नहीं कहने वाले हो ना तुम। खैर कोई बात नहीं, बोलो। देखो, मैं इस बात को ज्यादा टाइम तक दिल में नहीं रख सकता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या मुझसे प्यार करते हो? क्या हुआ? हेलो हेलो, अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? अगर तुम्हें मंजूर है तो हाँ कह दो, नहीं तो ना कर दो, लेकिन इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सॉरी सॉरी सॉरी, वो बात यह है कि मैं पिछले 4 साल से किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। आई एम वेरी सॉरी। ये बात है, सॉरी, शायद मैंने ही गलती कर दी है, मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन मैं नहीं, ये सब जान के तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची होगी ना, मुझसे गलती हो गई। अगर हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं लेकिन वो नहीं करता तो दिल पे क्या गुजरती है, ये मुझे समझ आ गया है। क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो? जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, तुम्हारे दर्द और तकलीफ का आज मुझे पता चला है। तुम इस दर्द को अकेली ही इतने दिनों तक झेलती रही और वो भी सिर्फ मेरी वजह से, मुझे माफ कर दो। मैं इस तकलीफ को 2 दिन नहीं झेल पाया, इसमें ना तो मेरी गलती है और ना ही तुम्हारी, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है ना। लेकिन कोई बात नहीं,
अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन गलतियाँ भी तो इंसान से ही होती है ना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आगे का फैसला तुम्हारे हाथ में है, मैं चलता हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। जय, क्या बात है भाई साहब, आप परेशान लग रहे हैं, लीजिए खा लीजिए। नहीं बहन। ये क्या भाई साहब, कई दिनों से आपने ठीक से खाना नहीं खाया। नहीं मैं ठीक हूँ, खाना खा लिया मैंने। नहीं आप परेशान तो हैं, मेरी एक गलती की वजह से कई साल तक हमारा परिवार बिखर गया था, अब जाके सब ठीक हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि ये परिवार हमेशा खुश रहे। बहन तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ करो। वो क्या है की इतना संकोच मत करो, बोलो। क्या आप मेरे बेटे को दामाद बनाएंगे? तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी तो यही सोच रहा था। एक बार अपनी बेटी से पूछ लो। बोलो बेटी तुम क्या चाहती हो? बेटा तुझे मंजूर तो है ना? आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, मैं अभी सबका मुंह मीठा कराती हूँ। वो तुम ही थे लक्ष्मी। हाँ माँ। कल से अंदर लेकर जा बेटा, पानी नहीं आ रहा है। हाँ ले जाती हूँ माँ। क्या हुआ भाई साहब, अब भी आप उदास हैं? मुझे तुम्हारी भी चिंता हो रही है। चार लोगों को इडली बनाकर खिला दूंगी तो जिंदगी कट जाएगी। बचपन से देखा है तुम्हें, लेकिन इस गांव में आके कितनी तकलीफें उठाई है तुमने। एक काम करो, वापस अपने गांव चलो, हम सब है ना वहाँ। नहीं भाई साहब, जब से मैं शादी करके आई हूँ इसी गांव में रह रही हूँ। इस घर से मेरे पति की यादें जुड़ी हुई है, मैं आखिरी सांस तक यही रहूंगी। ये भी कोई जिंदगी है? बाप भाई बहन रिश्तेदार सब साथ रहने चाहिए। तुम ही बताओ कैसा लगेगा, तुम यहाँ मैं वहाँ, चलो सब साथ मिलके रहेंगे। नहीं मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। तुम तो मेरी बात मान ही नहीं रही। ठीक है मैं निकलता हूँ। अरे भाई साहब, चार दिन बाद मंदिर में बड़ी पूजा है, चार दिन रुक कर पूजा देख कर जाइए ना। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे कहने पे चार दिन यहाँ पूजा के लिए रुक जाता हूँ। भाई साहब खाना खा लेते तो। एक मिनट, एक जरूरी काम है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अरे ये क्या हो गया, कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, मंदिर में अभिषेक शुरू हो जाएगा। अरे जल्दी आओ भाई। हाँ भाई। और से देखो, इस फोटो में जो लड़की है से जानते हो क्या? हाँ मैं जानता हूँ, ऐश्वर्या नाम है इसका, वो इडली वाली दीदी और जय के घर में रहती है। अभी वो लोग कार्तिक मंदिर में पूजा करने के लिए गए। हाँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। उस मधुकर पांडे को पूरे परिवार के साथ उठा। ए, गाड़ी मोड़ और तुरंत कार्तिक मंदिर चल, जल्दी चल। जिसने मारा है उसके पूरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। ठीक है भाई साहब, ए बेटा संभल तो चलो। हाँ आराम से उतर।
शादी होने वाली है। हाँ बाबा मैं जानती हूँ पर यार इनके पापा को कुछ गुंडे मार रहे हैं वहाँ पर। क्या बात कर रहा था? चल जल्दी। Let's go.